ओ तेरी बच्चा भी है। इधर देख और बच्चे भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, तो आपने वीडियो के अंत तक देखना, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों हमारे पास रैबिट्स के 3 बेबी हैं, जिसमें से एक मुझे नजर नहीं आ रहा, दो तो काफी शरारतें कर रहे हैं, वो हर रोज होल से बाहर आते हैं, अभी यहाँ पे फिर रहे थे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो सबसे छोटा था वो तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया मुझे नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, मुझे टेंशन हो रही है कहीं उसको कुछ होते नहीं गया, उसको हम देख लेते हैं। और बड़े वाले तो यहाँ पे फिर रहे हैं ना, इस केज वाले होल में रैबिट्स के बेबी छुपे होते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले इधर ईंट लगा देता हूँ ताकि परली तरफ जा ना सके, वो चेक करें माशाल्लाह वो बैठे हुए, इनको हम बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं, अगर 3 हुए फिर तो ठीक है, अगर 2 हुए फिर मसले वाली बात होगी, तीसरे को हम ढूंढेंगे। माशाल्लाह क्या बात है, इधर तो आओ, इधर तो ये चेक करें, ये माशाल्लाह बड़े वाला है, ये एक और निकालता हूं मैं, ये आ गया, ये माशाल्लाह ये भी आ गया। अब आखिरी जो सबसे छोटा है ना उसको देख लेते हैं, आगे होल एंड हो गई, कुछ भी नहीं है यार। ओहो दोस्तों, जिसका डर था ना वही हुआ है, इस होल में रैबिट्स के बेबी रहते थे और इसमें 2 निकले हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, छोटे वाले को मैं देख ही नहीं रहा और ना ही मैंने तवज्जो की है, मैंने कहा कहीं होल में होगा। अब हम इधर जाके देख लेते हैं, इस तरफ ये वही हैं जो मैंने अभी बाहर निकाले हैं ना, ये वही बैठे हुए हैं। तो एक होल यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे है शक कि इस होल में ना हो, लेकिन ये होल काफी बड़ा, मैं चेक भी नहीं कर सकता। 2 हमारे रैबिट्स के बेबी फेल रहे हैं, उनके साथ तीसरा भी तो होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए, होल की खुदाई करनी चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, होल काफी बड़ा, मैं तो चेक ही नहीं कर सकता और ना ही हम होल की खुदाई कर सकते हैं। चलो खैर, अब 2-3 दिन और वेट कर लेते हैं, तो वो जो करते हैं, रैबिट्स का बेबी बाहर आएगा ना तो उसको देखूंगा, अगर ना आया ना तो मैं होल की खुदाई कर लूंगा, क्योंकि उसकी मुझे टेंशन हो रही है कहीं उसको कुछ हो ना गया। अब मैं केज के ऊपर चढ़ता हूँ और सब पेट्स को अपनी तरफ बुलाता हूँ, अभी देखना सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे और इनको खाना देंगे, काफी रौनक लगने वाली है। और आज हम अपने कलरफुल चिक्स को भी प्ले ग्राउंड में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने केज की सफाई करनी है। आज यार सारे पेट्स इधर मेरी तरफ भाग भाग के इधर आओ, अभी इनको सबको खाना देते हैं यहाँ पे, और हमारे पिजन भी ऊपर बैठे हैं, ये भी अभी नीचे आ जाएंगे। ओ तेरी खैर गब्बर, ये तूने क्या किया है, हमारी छोटे वाली मुर्गी को इतनी जोर से चोंच मारी है और ये उसके बाल ही उतार दिए हैं, इतना जालिम हो गया यार उस बच्ची ने, तुझे क्या कहा है। ये हमारे पेट्स के लिए खाना है, अब मैं इनको देने लगा हूँ। दोस्तों इधर मैंने चारा दिया हमारे रैबिट्स के लिए, लेकिन रैबिट्स हमारे दाना खा रहे हैं और ये मुर्गियां आ गई हैं खाने के लिए। ये ठंडा ठंडा होता है ना, मुर्गियां बड़े शौक से खाती हैं। अब हम अपने कलरफुल चिक्स को छोड़ते हैं, कब से वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको छोड़ दिया, उनको खाना भी दे दिया और हमें कुछ दे ही नहीं रहे, ना ही निकाल रहे हो। माशाल्लाह क्या बात है। ओ यार डक्स कहाँ आ गई हैं, डक्स पता नहीं इनको मारने के लिए आ जाती हैं फौरन से, यहाँ पे अच्छा भला यहाँ पे खाना खा रही थी और यहाँ पे आ गई हैं। चलो इस तरफ चलो, मुर्गा भी हमारा भाग के अंदर चला गया छोटे वाला। यार इसको क्या हुई है, तेरी खैर यार ये तो एक्सपायर हो गया, ये कल वही है जिसको बीमारी लगी थी पीछे पीठ वाली। ओहो यार मैंने सुबह टाइम सारे कलरफुल जिसको देखा था और इनको पानी वगैरह पीने के लिए दिया था, मैंने देखा था सब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये उनके नीचे पड़ा हुआ था बेचारा, पता नहीं कब से एक्सपायर हुआ हुआ है। मुझे इसके बचने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये जो पीछे पीठ लग जाती है ना, अभी अल्लाह का शुक्र है और किसी भी कलरफुल चीज को नहीं है, बस इसी को थी, कल लगी थी, कल मैंने चेक किया था और आज बेचारा एक्सपायर हो गया है। अभी हम फिलहाल इसको इधर रख देते हैं, बाद में इसको दफनाने के लिए जाएंगे, अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि सब कलरफुल जिसको मैंने छोड़ा हुआ है, कोई कवा वगैरह आके अटैक ना कर दे। मैंने इनके लिए खाना बर्तन में डाल लिया और इनको अपनी तरफ बुलाता हूँ। यार बड़े पेट्स का खाना खा रहे हैं, मेरी तरफ आ जाओ सारे, इधर आओ ये आपको खाना देते हैं। दोस्तों ये टैटर मुझे कह रहे हैं हमें भी कलरफुल चिक्स के साथ छोड़ दो, सारे पेट्स उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा कर लें, इधर आओ यार आपको छोड़ देता हूँ, चलो भाग के आओ ऊपर। ये आगे ये बड़े वाले को पकड़ लिए और छोटे वाला इसके नीचे है, आपको इधर छोड़ देता हूँ, 2 रह गए छोटे वाले, इनको भी इधर छोड़ देते हैं, ये लो यार आप भी इंजॉय कर लो। ओहो दोस्तों मैं भूल ही गया हूँ, हमारी रानी जो अंडों पे बैठी हुई थी उसको इन पेट्स के साथ छोड़ना था, बाहर लेके आना था, वैसे मैं उसके पास खाना रखता हूँ लेकिन वो अच्छे से खाती नहीं है, यहाँ पे सही से खा लेगी, इतने दिन हो गए वो बाहर आई भी नहीं है, वीक हो जाएगी ऐसे तो। वो बाला ये खड़ी हुई है, पूछ रही है मुझे कब बाहर लेके जाओगे, अभी लेके जाता हूँ यार पहले रानी को ले जाओ, ये बैठी हुई है रानी, इधर आओ यार, ये पहले से काफ़ी वीक हो गई है बेचारी, अंडे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और इसको बाहर छोड़ते हैं। ये कहाँ जा रही है, ओ यार इसको प्यास लगी हुई है, पानी देता हूँ एक मिनट रुको, ये लो पानी,
हमारी रानी को प्यास लगी है, पहले पानी पिएगी, फिर यहाँ पे काफी देर तक खाना है, ये खा लेगी खुद ही। आ जाओ यार बाला, मैं आपको बाहर ले चलूँ, ये कब से यहाँ पे वेट कर रही है। दोस्तों इस तरफ मैं जब भी आता हूँ ना, डोलियों में से क्यूट बेबी की आवाज़ें बड़ी प्यारी प्यारी आती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं यार, ये तो हाथ नहीं लगाने दे रहे, काफ़ी चीख रहे हैं। मैं साइड पे ही हो जाता हूँ, रहने देते हैं। इधर यार बाला आपको ले चलूँ बाहर। मैं उनके पास जैसे ही गया हूँ, ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गए हैं, तो मैंने कहा यार इनको डिस्टर्ब नहीं करते, बाला को ही बाहर ले चलते हैं। चलो आ जाओ बाला, बाला कोई चीख नीचे नहीं दे देना, आराम से बाला। बाला हुए, बाला तो यार नाच रही है। इधर आ जाओ, इधर खाली जगह पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 आराम से। बाला मेरे पीछे ही लग गई है। बाला उस तरफ आपने नहीं जाना, वहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल चीज़ हैं, ये ना हो आपके नीचे आ जाएं। ओ ये केज के अंदर जा रही हो, इधर आ जाओ। मैंने बाला को छोड़ दिया है, रस्सा पकड़ा नहीं हुआ, खुद ही जहाँ मर्जी घूमे फिरे। बाला को मैं नीचे ले आया हूँ, ऊपर हमारे कलरफुल चीज़ थे, काफ़ी शरारतें कर रही थी, मैंने कहा कहीं पाँव के नीचे ना आ जाए, इसके लिए मैंने फीडर रेडी कर लिया, इसको ये पिलाते हैं। बाला दूध पीते हुए बड़ी शरारतें करती हैं, इसने अपने मुंह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दूध गिरा दिया और मेरे हाथ के ऊपर भी। चलो बस फिनिश हो गया। दोस्तों एक साथ वाले मोहल्ले का बच्चा है, वो हर रोज हमारे पेट हाउस में आता है। वो आ जा ऊपर आ जा, आज कल नीचे जा। क्या हुआ? नहीं आ जा, आज जाते हैं। मैं हूँ नीचे। ये पता नहीं क्या कह रहा है। हाँ क्या कह रहा है? वो आ जाओ तो। क्या हुआ है इसको, क्या हो गया है? दोस्तों इसको पता नहीं क्या हुआ, मुझे बुला के लेके जा रहा है, वहाँ पे कुछ होगा। क्या है उत्तरी? बच्चा भी है। बच्चा भी है? वाकई ये चूहे का बच्चा है? हाँ। ये चूहा पड़ा हुआ है, इसको क्या हुआ? ये तो मरे हुए है। मर गई है। ये कैसे मरे? उत्तरी से ये बच्चा कह रहा है मैं वॉशरूम आया था, ये वॉशरूम है ना, तो ये इनकी दुकान है घोटे वाली, तो ये कह रहा है मैंने चूहा देखा है और फिर बाद में देखा यहाँ पे बच्चा भी पड़ा हुआ था। दोस्तों ये वाला सीन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ज़िंदगी में, चूहे का बच्चा तो मैंने पहली दफ़ा देखा है ना, और चूहे तो मरे हुए अक्सर देखते हैं ना हम। दोस्तों मुझे लग रहा है फीमेल चूहा बर्थ करते हुए बेचारी की डेथ हो गई है और ये बेचारा बेबी रह गई है, या शायद किसी बिल्ली ने अटैक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्ली भी रहती है, ब्लैक वाइट बिल्ली है यहाँ पर एक रहती है, मैंने काफ़ी अक्सर उसको देखा हुआ है। अब इसका एक बेबी है, और भी कोई और बेबी होगा, देख इधर कोई और भी होंगे, ये काफी ज्यादा बेबी देते हैं, एक थोड़े ही देते हैं। और ये कोई दिखा दो, अंदर है भाई, खुद अंदर है, ये अक्सर इधर ही फिरता रहता है ना, ये काम वगैरह करता है, इसको पता है, कह रहा है खुद उसके अंदर है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में गाइड कर दें, मुझे इस बेबी के साथ क्या करना चाहिए? चूहे को तो हम दफना देंगे, लेकिन ये बेबी अकेला रह गया, इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे इसको अकेला भी छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, ये बेचारा कैसे पड़ा रहेगा? तो अब हम इसको अपने पेट हाउस में ले चलते हैं, केज में डाल देता हूँ, है ना, यहाँ पे तो मर जाएगा बेचारा, तो इसको हम दफना देते हैं, पकड़ो यार। दोस्तों हम चूहे के बेबी को अपने पेट हाउस में ले आए, इधर मैंने रख दिए। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे पालना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने चूहे को दफना दिया यार। दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।